गलवान घाटी समेत लद्दाख बॉर्डर पर चार इलाकों से पीछे हटी चीनी सेना, अजीत डोभाल से वांग यी की मुलाकात के बाद चीन ने कबूला। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया है कि रूस में भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के दौरान सीमा के मुद्दे पर चर्चा हुई। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में चार क्षेत्रों पर चीन की सेना पीछे हटी है, इनमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार 13 सितंबर को कहा है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी समेत चार स्थानों पर सैनिकों की वापसी हुई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत और चीन रूस में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए स्थितियां बनाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को 12 सितंबर को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स के उच्च पदस्थ अधिकारियों की बैठक के मौके पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सीमा मुद्दों पर हाल में हुई प्रगति पर चर्चा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग से शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया कि पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार साल से अधिक समय से जमे द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या दोनों देश किसी सफलता के करीब हैं। इस पर चीनी प्रवक्ता ने कहा, दोनों सेनाओं ने चार क्षेत्रों में वापसी की है और सीमा पर स्थिति स्थिर है। माओ ने कहा, हाल के वर्षों में दोनों देशों की अग्रिम पंक्ति की सेनाओं ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में चार क्षेत्रों में वापसी का एहसास किया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन भारत सीमा की स्थिति आमतौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। चीनी विदेश विभाग के प्रवक्ता का बयान तब आया है जब एक दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिनेवा में कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का लगभग 75% समाधान हो गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैनिकरण है। डोभाल और वांग भारत चीन सीमा वार्ता तंत्र के लिए विशेष प्रतिनिधि हैं। डोभाल और वांग के बीच हुई बैठक के बारे में चीफ द चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि चीन भारत संबंधों की स्थिरता दोनों देशों के लोगों के बुनियादी और दीर्घकालिक हित में है तथा क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए अनुकूल है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग ने इस बात पर जोर दिया कि अशांत विश्व का सामना करते हुए दो प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को स्वतंत्रता पर दृढ़ रहना चाहिए, एकता और सहयोग का चयन करना चाहिए तथा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। वांग ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्ष व्यावहारिक दृष्टिकोण के जरिए अपने मतभेदों को उचित ढंग से हल करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का उचित तरीका ढूंढेंगे तथा चीन भारत संबंधों को स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास के रास्ते पर वापस लाएंगे।